जी कर लिया है रिकॉर्डिंग। तो हमारी आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वीबीए माइक्रो सॉरी एडवांस एक्सेल की। मैं थोड़ा सा क्लासेस ज्यादा ले रहा हूँ ना। तो हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आप लोगों को आज सिखाएंगे एडवांस एक्सेल की स्टार्टिंग पार्ट, और हम ये स्टार्ट कर रहे हैं बिगिन टू एडवांस। हर एक फीचर को बेसिक से लेके एडवांस आपको सिखाया जाएगा हमारे इस ऑनलाइन लाइव क्लासेस में। और आप लोगों को क्वेश्चन पूछने के लिए फ्रीडम है, आप जितना बुरा नहीं मानूंगा पर सर, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ। आप लोगों के बैकग्राउंड से शोर आ रहा था तो मैंने आप लोगों को म्यूट कर दिया है। कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट करके पूछिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम टाइम को बिना गवाए हुए। तो बेसिकली पहली क्लास में मैंने आपको आर्किटेक्चर के बारे में बताया था कि सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या है, जिसमें मैंने आपको शॉर्टकट निकालना, लिमिटेशन निकालना वगैरह सिखाया था। अब हम चलिए मेनू बार के हिसाब से चलेंगे। देखिए बेसिकली क्या है कि बहुत सारे बुक्स बहुत सारे ट्रेनिंग देखेंगे तो वहां पे मेनू बार से नहीं जहां तहां से सिखाया जाता है, जिससे ट्रेस करना मुश्किल होता है कि हमारा टॉपिक कहाँ पे क्या हुआ। लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि हमारे पास जो बेसिक से एडवांस सिक्वेंस है वो सिक्वेंस हमारे मेनू के हिसाब से ही है। तो हम मेनू के हिसाब से चलेंगे ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि आज अगर मैंने मान लीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ाया तो कल इससे आगे की टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेनू के हिसाब से हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल मेनू की। फाइल मेनू में कुछ ऐसा सीखने को ज्यादा नहीं है कि नॉर्मल आपको इसमें आता होगा सेव सेव है जो प्रिंट सेव एक्सपोर्ट ये सब मोस्टली नॉर्मल चीजें हैं कि जनरली आप अपने ऑफिस में यूज करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑप्शन की, ऑप्शन मतलब एक्सेल की सेटिंग की। अब कुछ बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर पहले या दूसरे दिन आप मुझे एक्सेल की सेटिंग क्यों पढ़ा रहे हो। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो एक्सेल की जो सेटिंग है हमारा वो ये है, एक्सेल की जो हमारी सेटिंग है, एक्सेल की सेटिंग ये है कि जैसे कोई नई डिवाइस हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि नया आपने मोबाइल फोन लिया तो मोबाइल फोन में हर एक सेटिंग डिफॉल्ट सेट होती है, रिंगटोन वॉलपेपर, फिर भी हम उसको चेंज करके अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करते हैं। क्यों? क्यों हम उसको अपने हिसाब से यूज कर सके। उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सेटिंग दी हुई है, डिफॉल्ट सेटिंग दी हुई है, लेकिन कुछ ऐसे सेटिंग हमें काम करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है क्योंकि इसने जो सेटिंग दी है वो ग्लोबली दी है, तो हम जो है उसको अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जनरल में आते हैं। तो जनरल में एक फीचर, बाकी फीचर देखिए इसमें मैं आपको सेटिंग में हर एक ऑप्शन नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ ऑप्शंस को छेड़छाड़ नहीं करना है, कुछ ऑप्शन आप नॉर्मली जान जाएंगे। और सर आज मैं अकेले नहीं पढ़ा रहा हूं, मेरे साथ मेरा 10 महीने का बेटी भी है, वो भी आपको ट्रेनिंग दे रही है। जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वो भी रिप्लाई कर रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन टिप्स आप देख रहे होंगे, ये क्या है बताता हूँ। जैसे कि किसी भी फीचर जो मैं बताया था आपको, किसी भी ऑप्शंस के बारे में आपको जानना है तो उसके ऊपर कर्सर रखें। जैसे आप उसके ऊपर कर्सर रखेंगे उसके बारे में एक शॉर्ट नोटिस आ जाता है। अब प्रॉब्लम इसमें क्या होता है, जब हम दो चीजें होती है इससे प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम, जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें हम चाहते हैं कि कोई तुक्का ना मार सके, एग्जैक्ट नॉलेज हमें पता होना चाहिए, तो उसके लिए हमें इसको डिसेबल करना है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम कि मान लीजिए किसी कोई पर्सन की कोई पर्सन आपको कोई डेटा भी कोई किस तरह का डेटा आपको भेजता है, कहीं से आपको कोई डेटा रिसीव हुआ और डेटा में कहीं प्रॉब्लम है, कहीं पे गलती है, एरर है, तो उस पर्सन को आप फोन करोगे कि सर आए यहाँ डेटा में प्रॉब्लम है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कहाँ पे किस तरह का एरर है। तो दिक्कत क्या है, ऐसा बताना था मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको सिलेक्ट करके इसका स्क्रीन शॉट ले लेते हैं। प्रदीप जी एंड यादव जी, आपको पता है ना स्क्रीनशॉट क्या होता है? हेलो,
सर पता है मुझे। ओके चलिए, तो स्क्रीनशॉट लेते समय, मान लीजिए कि स्क्रीनशॉट आप ले रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट लेते समय गलती से कर्सर ऊपर चला गया तो आपका डेटा हो जाएगा। तो जैसे हम लोग टेस्टिंग वगैरह करते थे ना, किसी पर्टिकुलर माइक्रोज की टेस्टिंग वगैरह करते थे, तो वहां पे इस चीज का हम ध्यान रखते थे कि इस चीज का ध्यान इसे रखना होता था कि स्क्रीनशॉट लेते समय कोई गलती ना हो। ठीक है, तो इन शॉर्ट मुझे इस फीचर को डिसेबल करना है। तो मैं यहां फाइल पे आऊंगा और फाइल पे आने के बाद मैं यहां ऑप्शन में जाऊंगा और ऑप्शन में ये आपको दिख रहा होगा डोंट शो स्क्रीन टिप्स आपको दिख रहा होगा, तो डोंट शो स्क्रीन टिप्स कर देंगे तो ये शो नहीं करेगा। उसके बाद जब भी कोई नई सीट क्रिएट करते हैं तो उसका डिफॉल्ट फॉन्ट कैलेवरी या अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग अपना खुद का फॉन्ट यूज करते हैं, हमें बार बार फॉन्ट चेंज करना पड़ता है, तो आप अपने एप्लीकेशन का डिफॉल्ट फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज, डिफॉल्ट फॉन्ट की व्यू। और जब भी कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो 2007 में 3 आता है, 16 में 3 आता है, 10 में 1 आता है, तो आप चाहते हो कि नंबर ऑफ शीट्स हमारे हिसाब से हो 1 या 3 या 5, तो यहां से आप चेंज कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा प्रदीप जी एंड यादव जी, कि आप जो भी इसमें सेटिंग चेंज कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर फाइल की सेटिंग चेंज नहीं हो रही है, ये ओवरऑल एप्लीकेशन की सेटिंग चेंज हो रही है, जो कि हर फाइल न्यू और पुरानी फाइल में इफेक्टेड होगा। अब यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे कि आईपीटी एक्सेल स्क्यूल यूजर नेम दिख रहा है, ये क्या है? अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। कोई पर्टिकुलर फाइल पे अगर मैं कर्सर रखता हूं तो उसके बारे में मुझे पता चलता है, कोई भी पर्टिकुलर फाइल, तो मुझे पता चलना है कि इस डेटा, ये डेटा या प्रोजेक्ट नाम का फाइल किसने बनाया है। जैसे इस पे कर्सर रखूंगा यहाँ पे ऑथर आईपीटी एक्सेल स्कूल आपको दिख रहा होगा, तो यही आपका यूजर नेम होता है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर ये फाइल आप किसी थर्ड पर्सन को भेज रहे हो तो कोई भी इसको देख, इस पे कर्सर रख के देख लेगा कि एक्चुअली इस फाइल का ऑनर कौन था, मतलब इस फाइल को किसने क्रिएट किया था। तो ये यहाँ पे, तो ये आप चेंज कर सकते हो क्योंकि ये डिफॉल्ट आपके यूजर आईडी होता है, और यूजर आईडी आपका जैसे कि लॉगिन आईडी नहीं होता है आपका, जैसे सिस्टम आप लॉगिन करते हैं, मतलब कि विंडो को लॉगिन करते हो, वो आता है। तो कंपनीज वगैरह में ये अलग अलग होता है, जैसे कि एडमिन 1 2 3 इस तरह के होते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका थीम है, जैसे कि कलरफुल है, अगर डार्क ग्रे कर दे या व्हाइट कर दे तो एक ही कलर में आपका पूरा एप्लीकेशन दिखेगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अब फॉर्मूला में आते हैं। फॉर्मूला में सबसे पहला ऐसा चीजें चेंज मत कीजिएगा, यहाँ पे आता है R1 सीबोर्ड रेफरेंस स्टाइल, इसकी जरूरत हमें कभी कभी पड़ती है। जैसे कि जो ये एबीसीडी आपको दिख रहा है, इस एबीसीडी को ये 1 2 3 में कन्वर्ट कर देता है, देखिए 1 2 3 में कन्वर्ट कर दिया, तो एबीसीडी इस तरह से होता है। तो R1 C1 रेफरेंस स्टाइल, देखिए आपको R1 C13 रो नंबर और कॉलम नंबर 13 ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। इसका यूज हम एक दो जगह पर करते हैं, आगे हम इसके यूज के बारे में बताएंगे, फिलहाल मैं इसको यहां से हटा देता हूं। दूसरा कि कभी कभी कुछ चीजें आप लिखते हैं जो कि सिस्टम के अकॉर्डिंग गलत होता है, या कभी कभी जो है आप कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं जो कि फॉर्मूला एरर देता है, तो उस केस में इस तरह का ग्रीन कलर का बॉक्स आपको दिखेगा। जब इस पे कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, दिखाओगे दिस नंबर स्टोर एज अ टेक्स्ट, आपको यहाँ पे कर्सर रखते पता चल गया ना, इस पे माउस पॉइंटर ले जाते हैं कि द नंबर इन द सेल इज फॉर्मेटेड एज ए टेक्स्ट और प्रोसेटेड बाय द ऑस्ट्रोफोन ऑस्ट्रोफोन, तो इस तरह के एरर देता है सर। तो अगर आप इस तरह के एरर नहीं रखना चाहते हैं तो आप यहां से इग्नोर एरर कर सकते हैं, लेकिन जब इग्नोर एरर करेंगे तो पर्टिकुलर सिलेक्टेड सेल का ही होगा, ओवरऑल एप्लीकेशन का नहीं होगा, फिर कहीं और किसी और फाइल में शो करेगा ही करेगा। तो आप चाहते कि मेरे सिस्टम पे शो ही ना करें, तो उस केस में मैं यहां
तो यहाँ हम फॉर्मूला में, यहाँ होता है अनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग, इसको आप हटा दें। ध्यान रखिएगा, इसको जब आप हटाइएगा तो ये सिर्फ आपके सिस्टम पे हटेगा। अगर किसी और के पास आप मेल करेंगे तो वहां पे रिफेक्ट करेगा आपका सारा एरर। क्यों? क्योंकि तो उसका एरर सेटिंग तो अनेबल होगा। सॉरी, लेकिन जब इग्नोर एरर कर देंगे तो सेटिंग नहीं रहेगा। उसके बाद प्रूफिंग में आते हैं। प्रूफिंग में यहाँ आपका ऑटो करेक्ट ऑप्शन है, मतलब कि जैसे कि मैं सिस्टम पे लिखूंगा ना, मैंने बना रखा है जिसके डीएस, तो डीएस लिख के जैसे स्पेस मारूंगा तो डेली सेल्स रिपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप भी यहाँ पे इस तरह के नए चीज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी एक नया चीज बनाना चाहे बना सकते हैं। ऐसा सेंटेंस, ऐसा वर्ड जिसको बार बार लिखना हो, लिखने में कॉम्प्लिकेटेड हो, तो ऐसे शॉर्ट हैंड आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे हम कुछ डिफॉल्ट है, कुछ हमने बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे कि माना गलती से आपने एडीएन लिख दिया तो ऑटोमेटिक एंड हो जाएगा सर। तो इस तरह की शॉर्ट अपने आप करेक्ट, ऑटो करेक्ट बना हुआ है। लेकिन इसका यूज तो हम कम करते, लेकिन एक चीज हमें ज्यादा परेशान करती है, ए नेटवर्क पाथ, ए बाइटफॉल्ट क्लिक होता है, मैंने हटा रखा है। अब ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है पता है सर? जैसे मान लीजिए कि आप एक डेटाबेस बना रहे हैं और डेटाबेस में ईमेल आईडी का कॉलन है और आपने ईमेल आईडी लिखा कि कुमार एट द रेट iptindia.com, तो एंटर मारते क्या हो जाएगा है? जैसे आप इसको एंटर मारोगे एक कन्वर्ट हो जाएगा हाइपरलिंक में। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, हम डेटा एंट्री कर रहे हैं, हाइपरलिंक में क्रिएट हो गया, कभी चेंज करना हुआ तो क्लिक हो जाएगा, आउटलुक हो जाएगा, बड़ी दिक्कत देता है सर। तो उसको हर बार टाइप करने के बाद कॉपी करके वैल्यू पेस्ट या रिमूव, हर बार मुझे यहाँ से क्लियर हाइपरलिंक या रिमूव हाइपरलिंक करना पड़ जाता है बार बार। तो आप यहाँ पे आपकी जो एक्सेल ऑप्शन में सेटिंग होती है, आप उस सेटिंग को रिमूव कर दो, आप प्रूफिंग में जाओ, ऑटो करेक्ट पे जाओ, यहाँ से इसको अनचेक कर दो, इंटरनेट एंड आपका बात विथ हाइपरलिंक। इससे क्या होगा कि आप टाइप करोगे तो आपका हाइपरलिंक में कन्वर्ट नहीं होगा आपके नेटवर्क पाथ। तो एक फायदे की चीज है, फायदेमंद है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेव में आते हैं। सेव में एक प्रॉब्लम और होती है, जैसे कि आप कोई भी फाइल जब सेव करते हो तो अगर वो नया न्यू फाइल है तो सेव एज ऑटोमेटिक चला जाता है, और यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट एक्सेल वर्कबुक और माय डॉक्यूमेंट दो चीजें दिखती है। अब यहाँ दोनों में मुझे प्रॉब्लम है। एक्सेल वर्कबुक में क्या है कि मान लीजिए आप मैक्रो पे काम कर रहे हैं, तो अगर आपने मैक्रो बनाया, उस मैक्रो बनाई हुई फाइल को गलती से सेव कर दिया एक्सेल वर्कबुक में, तो आपके सारे मैक्रो लॉस्ट हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म नहीं, क्योंकि एक्सेल वर्कबुक डॉट एक्सएलएस एक्स का फॉर्मेट है जो कि रिसीव मतलब कि माइक्रो माइक्रो को सपोर्ट नहीं करता है, माइक्रो डिसेबल फाइल है, तो आपकी माइक्रो पूरे की पूरी डिसेबल हो जाएगी। ठीक है, आपकी माइक पूरी की पूरी डिसेबल हो जाएगी। तो उस केस में हमें चेंज करना पड़ता है एक्सेल वर्कबुक से एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक, जो कि माइक्रो कैरी करता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है कि हमें हर बार इसको चेंज करना पड़ता है। अब कभी ध्यान में रहा, कभी गलती से भी सेव हो गया, तो हर बार चूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। और मान लीजिए कि आपने कभी भी 2 घंटे का, 3 घंटे लगा के आपने एक मैक्रो क्रिएट किया और गलती से फाइल आपको डॉट एक्सएलएस में चली गई, तो आपकी 2-3 घंटे की मेहनत तो बर्बाद हो गई ना। तो उस केस में आप क्या करें, यहां एक्सेल ऑप्शन में जाएं और आप अपने एप्लीकेशन की जो सेटिंग है उसमें डिफॉल्ट यहाँ पे माइक्रो अनेबल वर्कबुक कर दें, माइक्रो अनेबल वर्कबुक। तो आपका जब भी कंट्रोल एस करेंगे तो डिफॉल्ट वहां पे माइक्रो अनेबल वर्कबुक ही शो होगा, बाकी चीजें शो नहीं होगी। पहले चीज,
दूसरी चीज ऑटो रिकवर। ऑटो रिकवर जानते हैं आप प्रदीप जी यादव जी, ऑटो रिकवर क्या होता है पता है? नो सर। देखिए क्या होता है कि कभी कभी हमारी फाइल जो है गलती से, सिस्टम की गलती से बंद हो जाता है। दो मिनट दीजिएगा, एक फोन आ रहा है सर। सॉरी सर। तो यहां पे आप देख रहे हैं ऑटो रिकवर क्या होता है कि मान लीजिए कि आप कोई फाइल पे काम कर रहे हैं और अचानक आपका एक्सेल हैंग हो गया या बैटरी बैकअप नहीं है, पावर चली गई, मैं सिस्टम के किसी कारण से आपकी फाइल बंद हो गई। फिर दोबारा जब एक्सेल ओपन करेंगे तो आपको साइड में यहाँ पे वो आपको लास्ट सेव फाइल दे देगा, मतलब कि वो रिकवर करके आपका डेटा लॉस्ट नहीं होने देगा, रिकवर करके दे देगा। तो क्या होता है कि वो ऑटो रिकवर हर 10 मिनट में, यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग होता है कि वो 10 मिनट, हर 10 मिनट में वो ऑटो रिकवर चलता है और फाइल को एक नीचे जो पाथ दिख रहा है इस लोकेशन में सेव करता है। यहाँ पे दे याद रखिएगा, आपके द्वारा क्लोज की गई फाइल का रिकवर यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे ओएसए फाइल जो कि सिस्टम की प्रॉब्लम से बंद हुई है उसी फाइल का बैकअप होता है, वो भी 10 मिनट तक का डेटा लॉस्ट होने के चांसेस, क्योंकि ये हर एक 10 मिनट पे चेंज सेव होता है। मान लीजिए 11वें मिनट में आपका फाइल सेव हुआ तो आपका पूरा डेटा मिल जाएगा, लेकिन 9वें मिनट में फाइल सेव हुआ तो आपको 9 मिनट का डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है सर, अब समझ ठीक है। आया? तो अगर मान लीजिए कुछ ऐसे इंपोर्टेंट फाइल पे आप काम कर रहे हो जिसके आप ज्यादा डेटा लॉस करना नहीं पसंद करोगे, आपकी फाइल बार बार हैंग होकर बंद हो रही है, तो आप यहाँ पे टाइम पीरियड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। या मान लीजिए कि आपके इस सी ड्राइव में कम बचा हुआ है, क्या बोलते हैं, फाइल कम बचा हुआ है, तो उस केस में स्पेस कम बचा हुआ है तो यहाँ पे लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं आप। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अगर बहुत बड़ा डेटा फाइल है तो हर 10 मिनट पे आपका फाइल वो हैंग होगा, क्योंकि हर 10 मिनट में सारी फाइलों को सेव करेगा। तो कोई बड़ी फाइल है जिस जो कि ऑटो रिकवर में नहीं रखना चाहते, मान लीजिए कोई आपका जो डम फाइल होता है, डम फाइल तो एक दो बार ही चेंज होता है ना दिन में, बाकी टाइम तो उससे हम डेटा इंफॉर्मेशन लेके रिपोर्ट बनाते हैं। तो उस केस में यहां से आप उस फाइल को डिसेबल कर सकते हैं, डिसेबल ऑटो रिकवर कर सकते हैं, तो वो फाइल पे ऑटो रिकवर चलेगा नहीं और आपके सिस्टम ज्यादा हैंग नहीं होगा, पहली चीज। अब दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं कि मेरा फाइल बाय डिफॉल्ट माय डॉक्यूमेंट में सेव होता है। जब हम सेव पे क्लिक करते हैं तो हमें माय डॉक्यूमेंट का ही फीचर शो होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा माय डॉक्यूमेंट नहीं, मेरा डी ड्राइव, सी ड्राइव या एफ ड्राइव में सेव हो, तो यहाँ पे उसका पाथ दिया हुआ है, उस पाथ को यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पाथ चेंज कर दीजिए, आपका डिफॉल्ट वहीं पे सेव हो जाएगा। तो इसमें बाकी लैंग्वेज कुछ नहीं है, एडवांस में आएंगे तो छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे कि एंटर प्रेस करने से आपका डाउन कर्सर जाता है, आप चेंज कर सकते हैं, आप डेसिमल प्रेसेंस लगा सकते हैं, जैसे जब भी टाइप करेगा वो 100 से डिवाइड हो जाएगा, ड्रैप डाउन करते उसको रोकना है, तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे। आपका पे जो सीट का टैब नेम, हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार, ये सब चीज हटाने का इसमें दिया हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई खास नहीं है। हाँ, इसमें एक खास है कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट क्यों खास है कि आप जैन लिख के ड्रैग करते हैं तो जैन फेब मार्च हो जाता है सर, संडे लिख के ड्रैग करते हो संडे मंडे हो जाता है, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये इसने इस लिस्ट में ऐड किया हुआ है। और मैंने कुछ नाम भी है, देखिए एक सीरीज बना दिया पूजा, मतलब मैं अपने सीट पे पूजा लिख के नीचे ड्रैग करूंगा तो पूजा नीचे, पूजा नीरज कविता मोनी ऐसे उदय ऐसे लिस्ट आ जाएगा, आईटी आ जाएगा, ये आपका सिटी लिस्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप भी अपने हिसाब से लिस्ट बनाओगे, तो लिस्ट बनाने से क्या होगा कि
कि जैसे आप लिस्ट बना देंगे और उसको ड्रैग करेंगे, जैसे मैं पूजा लिख के ड्रैग किया तो देखिए लिस्ट आ गया। ठीक है सर, क्लियर है? यस सर, समझ में आया? उदय जी कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर। नहीं ऊपर दीजिए। हेलो उदय जी सर। हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। हेलो सर, ये जो सेव फाइल में जो डॉक्यूमेंट में बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट में जो फाइल सेव होता है सी ड्राइव में, और हम डी ड्राइव में करेंगे, तो सी ड्राइव में और डी ड्राइव में फर्क क्या होगा उसमें? नहीं नहीं आप ये नहीं समझ रहे। देखिए क्या हुआ कि हमने अगर सेव पे गया, अब जैसे मान लीजिए ना हम फाइल को यहाँ पे सेव पे करते हैं, ठीक है, सेव पे किया तो यहाँ भी माई डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट आ गई है, लेकिन हर कोई माई डॉक्यूमेंट फाइल नहीं रखता है। वो फाइल आप लोग एक जगह पर रखते होंगे ना, जैसे डी ड्राइव के 2019 के किसी पर्टिकुलर फोल्डर में सेव करते होंगे, तो हर बार वो फोल्डर पे जाना पड़ता होगा ना आपको सर? जी सर। तो जाने के वाला पाथ जो है उस पाथ को उठाए, और उठाने के बाद उस पाथ को एक्सेल की सेटिंग में डाल दे, तो आपको हर बार जाना नहीं पड़ेगा। जैसे सेव पे क्लिक करोगे वो आपको वहीं पे पहुंचा देगा। यहाँ पे अगर आप सर ये चेंज कर देते सर, बाय डिफॉल्ट में जो एक्सेल का डाटा जो सेव होता है इसी सी फाइल में, वो विंडोज क्रैश होने पर वो फाइल भी क्रैश हो जाएगा कि? जी हाँ, क्योंकि फाइल सी ड्राइव में है और क्रैश सी ड्राइव, विंडोज ड्राइव क्रैश हुआ तो सी ड्राइव को फॉर्मेट करना होता है सर। जी ठीक, समझ गया। तो एडवांस में होंगे, अब बात करते कस्टमाइज रिबन। अब देखिए ऊपर में जैसे कि मेरे सिस्टम पे जाएंगे तो आपको डेवलपर टैब दिखेगा, देखा पावर पिवट है, लेकिन आपके सिस्टम में नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ से आप चाहो तो किसी मेनुवार को शो करवा सकते हो, किसी मेनुवार को यहाँ से हटवा सकते हो। जैसे मैं माइक्रो एडिंग्स को यहाँ से हटाना चाहता हूँ, हटा दिया और यहाँ पे ओके कीजिए, अब माइक्रो एडिंग्स मेरे सिस्टम पे शो नहीं होगा, नहीं हुआ जी सर। अब यहाँ पे एक चीज प्रॉब्लम और आती है, कहाँ गया में, यहाँ पे आप अपने न्यू फीचर बना सकते हैं। जैसे मेरे माइक्रो एडिंग्स जो है नया बनाया हुआ है, तो आप भी चाहो तो नया कोई टैब बना सकते हो न्यू टॉप पे, या पुराने टैब को यहाँ से रिमूव कर सकते हो, टैब यहाँ क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कमांड है, जैसे कि यहाँ पे देखिए नॉट कमांड इन द रिबन, ये सारे कमांड आपके एक्सेल में शोर नहीं होते हैं। आपको जरूरत है तो इसको आप किसी मेनूबार में ऐड करवा सकते हो। अगर मान लो कभी ऐड करते समय दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे न्यू ग्रुप ऐड करके फिर करे, ठीक है? तो ये चीजें है। अब बात करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे दिखा आपको सेव ऑनडो रीडो, ये दिख रहा है ना आपको सर? डिफॉल्ट होता है, पेस्ट स्पेशल भी कर दिया तो आप यहाँ भी फीचर को ऐड कर सकते हो, इससे शॉर्टकट बनेगा। जैसे मान लीजिए पेस्ट स्पेशल का हमने कर रखा है, तो जैसे ही मान लीजिए हमने यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं अल्ट प्रेस करूंगा, ये फोर नंबर दिख रहा है आपको, मैं अब नंबर फोर यूज करूंगा तो पेस्ट स्पेशल आ जाएगा। मोस्ट यूजेस कमांड आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कमांड हर दूसरे तीसरे मिनट में आप यूज करते हैं, ऐसे कमांड को, समझ गया? जी सर। तो प्रदीप जी एंड उमेश कुमार यादव जी, एक्सेल ऑप्शन को आप एक बार स्कैन कर लें, कुछ ऐसा चीज आपके लिए नया लगता है तो आप उसको एक बार देखें। याद रखेंगे कि जिस ऑप्शन को आप नहीं समझेंगे उसको छेड़िएगा मत, अगर आपने गलती से कुछ ऐसा कर दिया तो फिर सिस्टम में आपको वापस ऑफिस रीस्टोर करना पड़ेगा। जी। कल मैं आपकी जो है होम मेनू बार स्टार्ट करूंगा, जिसमें हम क्लिपबोर्ड के बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है? आज की क्लास से या किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं। सर एक बार फाइल मेनू में वो जो पब्लिश है ना, वो पब्लिश समझ में नहीं आया सर। पब्लिश, ओके, पब्लिश क्या होता है बताता हूँ आपको। देखिए पब्लिश के लिए आपके पास पावर बीआई का होना जरूरी है,
ठीक है ना। अब पावर बीआई क्या होता है? पावर बीआई एक रिपोर्टिंग टूल्स है, पावर बीआई भी है। और जैसे एक शेयर पे आते हैं तो शेयर पे आपको यहाँ पे ये मिलेगा शेयर विथ पीपल, मतलब कि क्या बोलते हैं शेयर पॉइंट। तो इस पे आप इस फाइल को डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं सर, इसलिए इसका यूज किया गया है। और पावर बीआई में भी आपको जो है डेटा एनालिटिक्स टूल्स है, तो ये आपके रिपोर्ट या डेटा को डायरेक्ट पावर बीआई में भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं सर। ठीक है जी, पब्लिश वहां पे यूज होता है। आगे मैं इस चीज पे डिस्कस करूंगा, फिलहाल ये चीज आपके लिए सुटेबल नहीं है फिलहाल एक स्टार्टिंग में। सर एक मेरा क्वेरी था, कई बार हम लोग जैसे 85 या 36 आपने कॉर्नर में लिखा है A1 में, जैसे हम टाइप करते हैं तो डिजिटल डिजिट्स में आ जाता है ऑटोमेटिक, वो ऐसा क्यों होता है? डिजिट मतलब पॉइंट्स में चला जाता है। हाँ शायद आपने गौर से नहीं सुना होगा, मैंने अभी आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन बताया है। यहाँ एक्सेल ऑप्शन के एडवांस में अगर आप इस पे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली इंसर्ट द डेसिमल, तो जो भी आप टाइप करेंगे उसको 100 से डिवाइड कर देगा। आप 50 डालोगे तो 0.50 हो जाएगा, 500 डालोगे तो 5 होगा। तो ये पूरा एप्लीकेशन में होगा कि जिस फाइल पे हम लोग काम कर रहे हैं एप्लीकेशन में होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो भी हम चेंज करते हैं कोई पर्टिकुलर फाइल में नहीं, ओवरऑल एप्लीकेशन में होता है। ठीक है ठीक है ठीक है राइट सर, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय बाय।